वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम पीरियोडिक फंक्शन का ही एक और क्वेश्चन देखेंगे। पीरियोडिक फंक्शन जो है मेरे वीडियो नंबर 24-25 में है, वीडियो नंबर 24 और 25 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन है। आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वीडियो नंबर 24 और 25। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वेव फॉर्म एफ टी इज इक्वल्स टू 2t/3 0 to 3। तो वेव फॉर्म जो रहता है, वेव फॉर्म आपको मालूम है कि वेव फॉर्म हर हमेशा पीरियोडिक ही रहता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है, इसका अपने को लाप्लास निकालना है। तो पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास का क्या फॉर्मूला है, देखिए सॉल्यूशन में आएगा वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन LFT that is equals to 1 upon 1 minus e to the power minus st, capital T रहेगा और ये 0 to t, जितना इसका साइकिल चलेगा, है ना, जितना ये पीरियड पे ये क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, वो T की वैल्यू होगी। T is equals to 3 है यहाँ, 0 to t e to the power minus st और ft dt। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूला है। LFT इज इक्वल्स टू 1 upon 1 minus e to the power minus st। टी मतलब क्या हुआ यहाँ, जिस साइकिल में वो अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, और ये 0 to t रहेगा e to the power minus st ft dt। ठीक है, यहाँ एप देखिए क्या है, 1 upon 1 minus e to the power minus st की जगह में कितना है, 3s हो जाएगा यहाँ, है ना, और यहाँ पास 0 to, ये 3 होगा, ये e to the power minus st है, और ft की वैल्यू क्या है, 2t/3 और dt हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 upon 1 minus e to the power minus 3s। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2/3 को कॉन्स्टेंट के फॉर्म में बाहर निकाल लेता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, 0 to 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा t into e to the power minus st dt। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, इसको आप बना लीजिए, कैसा बनेगा, 2/3 1 upon 1 minus e to the power minus 3s, और इसको बनाइए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e to the power minus st/s, ये मिलेगा आपको, और इसकी लिमिट क्या होगी, 0 to 3, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर से पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये माइनस हो करके ये एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 0 to 3 लगेगा, क्लियर है, एक बार आप और देख लीजिए अपने से, है ना, माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी बाई एस स्क्वायर माइनस में आएगा। अब सिंपली इसकी वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए, ये हो जाएगा 2/3 1 upon 1 minus e to the power minus 3s, और यहाँ 3 रखेंगे t के बदले में 3, ये हो जाएगा e to the power minus t के बदले में 3s upon minus s, और ये 0 रखेंगे तो पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, ये माइनस, ये हो जाएगा e to the power
माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर और जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो ये वन हो जाएगा, वन बाई एस स्क्वायर ये आपको मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो ये इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टू बाई थ्री वन अपॉन वन माइनस ई टू पावर थ्री एस, ये हो जाएगा थ्री ई टू पावर माइनस थ्री एस बाई माइनस एस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ इसको, वन माइनस ई टू पावर माइनस थ्री एस बाई एस स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख ले रहा हूँ। ठीक है, इसको इन साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो पूरा लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन आपको क्या मिल जाएगा। बहुत इजी सवाल है, ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, टू ई टू द पावर माइनस थ्री एस अपॉन एस वन माइनस ई टू द पावर माइनस थ्री एस, ये आपको मिलेगा। टू ई टू द पावर माइनस थ्री एस और यहाँ पास आ जाएगा माइनस एस वन माइनस ई टू द पावर माइनस थ्री एस। ठीक है, और इसके साथ यदि आप ऑपरेट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, टू बाई थ्री एस स्क्वायर, ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा आपका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो भी पीरियोडिक फंक्शन का आप निकालने वाले हैं इसका कंप्लीट आंसर ये मिलेगा, है ना। आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके एक बार और देख लेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत आसान है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में आप पोस्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और इसको लाइक जरूर करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।